أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين يا رب العالمين السلام علیکم آؤں یا ڈاکٹر سائرہ بانو مگر اج صحت راز جے ساتھ نہیں آویس بلکہ ویمنس ڈے جے حوالے سے آوی آئیں جے ساتھ کیوں آئیں بدے ٹھیک ٹھاک آؤں بھی فرسٹ کلاس یہاں نے آئیں جی دعائیں سی آئیں جی مہربانی سی نے آئیں جی تعاون سی میمن نیوز کے جن طریقے سے آئیں لائک کرو تھا شیئر کرو تھا نے سجے پروگرام کے پسندیدگی جے ساتھ ایڈمائر کرو تھا آئیں بدے جی بہت بہت مہربانی نے مکے امید آئے کہ آئیں ویمنس ڈے جے ان پروگرام کے بھی بہت پسند کرنا گرے لیکن ای پروگرام بھی اصا آئیں جی बेहद फरमाइश ते गिनी ना वायूं ने स्पेशली सेगमेंट इंटरनेशनल वुमेन डे जे हवाले सी अस ऑर्गेनाइज करी आयूं मार्च जी जड़े पा गाल करूं ते ने जड़े भी मार्च शुरू थे तो तकड़ी सदा गूंजे थी पहले हफ्ते में 8 मार्च वुमेन्स डे इंटरनेशनली खवातीन जो बाईड़ी जो लेडीज जो आलमी दिन मनाए में तो पांजे हिसाब से पांजी कम्युनिटी को रोपा अगर नारो बेंगा मुस्लिम मुसलमान हुन जे नाते पांजी लेडीज़ जो तो हर डी हुए तो हर वक्त हुए तो हर घड़ी हुए तो ना हर सेकंड हुए तो वजूद जन से है तस्वीर है कायनात में रंग खबर है बाबा दे मनूता है अगर औरत ना हुए तो दुनिया में रंग ना हुए लेकिन इन हवाले से अगर इंटरनेशनल एकड़ी थीम हर वर अकड़ी अचे थी ने जिनमें वेमेंस के स्पेशली ट्रिब्यूट पेश करें में तो अवॉर्ड्स डीन में जनता अप्रिशिएट करें में तो ने डी बडी इन चीज़ें में इजाफो थी रही है तो आओ ये काफ़ी टाइम से सोची रही हुई से पांजी लेडीज़ के किड़ा गैदर कर जी इंटरनेशनली तो बदे लेडीज़ किड़ा ना किड़ा अवॉर्ड गिनन थी पांजी भी गिनन थी पर स्पेशली मेमन न्यूज़ लेकर ही ना साकड़ो सेगमेंट डिज़ाइन करी है ने फरीद बिलवानी जी भी बहुत ख्वाहिश हुई जकड़ो मेमन न्यूज़ ते अड़ो सेगमेंट करूँ जो सिर्फ फीमेल्स ने एंटरप्रेन्योर सोशल वर्कर ने पांजी टॉप लेडीज़ के पावर कहूँ माशाल्लाह जडे आऊं प्रोफाइल पढ़ना शुरू करम तो अकड़े से अकड़ो प्रोफाइल मुझे वटे आओ ने मुझी समझ में ना अची रही किन के बरकाया ने किन के ना बच कया लेकिन अलहमदुल्ला बहु मुश्किल सी चार सिलेक्शन थियो ने मुझे ये लगा तो खैर हर बहु मोहतरम इन हर कोई बहु मोहतरम है लेकिन इन चार लेडीज़ की बहु मेहरबानी जी मुझे साथ अज सेगमेंट में मौजूद इन पा अगर नारून ते तो इंटरनेशनली जो थीम अज जी आए उनमें कोविड के दौर में यानी पेंडेमिक जो आओ कोरोना जो आओ इनमें वुमेन्स जो रोल ने पछी वुमेन्स की लीडरशिप ते ई थीम डिसाइड थी ई सब्जेक्ट डिसाइड थी हर बार अकड़ो सब्जेक्ट हुए तो लेकिन आओ ही सोचम जे पेंडेमिक में पांजी लेडीज़ जिन तरह सी पांजी कम्युनिटी के सर्व करी आऊँ घर में रही ने माड़वें जे घर में हुन जे बावजूद बच्चे के स्कूल बंद करन जे बावजूद किन तरीके से पोते जो रोल प्ले करी आऊँ ने इन जड़ी लेडीज़ जो मुझे साथ अज गेस्ट मौजूद हैं जिन्हें जाऊँगी थोड़ी बार में तारुफ़ कराया थी कि किन तरीके से ए कम्युनिटी के सर्व करी आऊँ पा इन ते अज थोड़ी सी गाल करने हालांकि अगर पाप मेडिकल की फील्ड ते गाल करूँ ते तो पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सिस की पा गाल करूँ तो मोर देन 80% यानी 80% से वधारे खवातीन उनमें हूँ थी कुल इलाह जे यकीनन औरत तकड़ो सॉफ्ट कॉर्नर रखे थी न मरीज इनकी टेक केयर करण में इनके वधारे चांस बनता ही नारो तो लेडीज टीचर्स भी बहुत वधारे एडमायर करे में चन थी वो पसंद करे में चन थी ने हाँ पा अगर पांजी कम्युनिटी की तरफ नारूँ तो स्पेशली तो बाकी एंटरप्रेन्योर यानी पोते जा कम काज करण वारियूँ बिजनेस में बिजनेस लेडीज़ पाके मणन थियूँ गवर्नमेंट में अगर नारूँ तो गवर्नमेंट में डायरेक्टर के रोल से पाँच लेडीज़ मणन थी पाँच मेमण कम्युनिटी जो अजा जिन से आई जो तारुफ़ करें अकड़े से अकड़ो अड़ो रोल मॉडल नगीन हुए चाहे पोते तारे सोच में पी उन माशाला पाँजी वुमेन पाँजी मेमण लेडीज़ किड़ा किड़ा पोते जो सिक्को जमाया वीन इन हवाले से अज मुझे साथ जो मौजूद इन चार बेहतरीन लेडीज़ मौजूद इन तारुफ़ कराया थी पहलो मुझे सीधे ऊंधे अत्ते बैठी हुई मोहतरमा हमीदा इकबाल भवानी साहिबा मोहतरमा इकबाल हमीदा इकबाल भवानी साहिबा इन चेयरपर्सन इन इनके WMO यानी वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ के अलावा अकड़ो लंबो प्रोफाइल हो और कट डाउन करी ना सिर्फ अकड़ी सिलेक्शन करी कि जे जी पाई असी गाल करना है मुझे इन्हें साथ वेठा हैं मोहतरमा हवा अब्दुल्ला साहिबा डायरेक्टर यो मां आयशा जा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मां आयशा इंस्टीट्यूट जा भी जिनमें सर्व करन ताई बच्चे जी एपिलेप्टिक बच्चा ने जो स्पेशल केसेस हूँ था इनमें जे अलावा ही मेडिकल जे तौर ते इदारो कम करे तो ने बहु नाम है जो इनके साथ साथ माशाल्लाह पास्ट चेयरपर्सन भी रहे नहीं जो बहुत वो प्रोफाइल है इन जे बाद मुझे सीधे अत्ते बेटी है हलीमा सुराठिया माशाल्लाह फाउंड प्रेजिडेंट इन हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जा ने इन्हीं जे साथ जो वेठी आ वे बता रही हुई से माशाल्लाह पांजी लेडीज डायरेक्टर यू इन गवर्नमेंट ऑफ सिंध में मोहतरमा आबिदा मेमन साहिबा
चारे लेडीज आज मेरे साथ मौजूद ही ना साथ थोड़ी सी घाल करने वुमेंस डे के हवाले से, लेकिन वुमेंस डे एक्चुअली जो पाँच एडा वुमेंस डे जी करे मनाइन में आऊ है इन तरीके से पा घाल करने ने इन में पुछ ने सी पुछने जेनी जी क्रू राय ने पाजी लेडीज किन तरीके से आई ना आए पोते की इन जर्नी में आवा जी। हमीद इकबाल भवानी साहिबा वो मेहरबानी आई जी ऐसे शो में आवा। थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ विमेन न्यूज़। ये बता रो कुछ आए ऐसा के जे इतरो बदे आए भी कम करी आयो ने अज इन माशाल्लाह इन पोजिशन ते वेठा आयो WMO इज अ वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन पची आई जिला पास्ट में जो एंटरप्रेन्योर जो एक्सपीरियंस तो औरतें के लीडरशिप में चल ले करी ने लीडर बनल ले करी ने की आए के केड़ा सी सपोर्ट वधारे मिली हस्बैंड जी सपोर्ट बच्चे जी सपोर्ट घर जी सपोर्ट या खोते जन अंदर कोड़ो जसबो। माशाल्लाह सोशल वर्क में मुझे फैमिली जो हुआ मुझे पापा हुआ मुझे काका हुआ मतलब सोशल वर्क करना हुआ इन लोग से मेरे ब्लड में आए जाने के तो हम लोग तो फैमिली जब साथ इन लोग के हमेशा बचपन से नानी आ भी है इन लोग सोशल वर्क करन में तो WMO में आप जैसे ज्वाइन करूँ मैं तरह से 2006 से तरह से मैं माशाल्लाह बहुत सीखने में अभी आई हुई है मेरी टीम भी मुझे नासा घणो कम करी आई हूँ WMO थ्रू जो कोविड में भी ऐसा करी आई हूँ माशाल्लाह कोविड में भी नहीं घर घर भी नहीं बधे के ब्लैंकेट्स बांटी आई हूँ जमात खाने में एडा उडा बधे ठिकाने बधे ठिकाने सभी ने इंटीरियर सिंध में भी नहीं ऐसा खुद मास्क पहनी ने भी आई हूँ घर में नहीं बैठा सी सर पूरी टीम आई जो भी नहीं बधे करिया सी मिली ने असा चौथी पानी जो मेमन छोकरियों इन औरतों इन वो बधी माशाल्लाह घर में वही ने भी बधे करिया इन इन के जो घर पाजे इन लोग के इन लोग जो बाकी गुना सोचे कपे के कोई वासे इन बधी आके आई पानी छोकरियों औरतों बधे ऑनलाइन भी कम करी रही इन कोई कुकिंग क्लासेस करी है इन कोई नाचे बदे सवाले इन लोग ऑनलाइन बच्चे के घर में भी वही नहीं पढ़े बिल्कुल इन लोग बदे करी है इन पोते जो कोई डिजाइनर इन घर में वही नहीं करी है कोविड की वजह से कोई भी इन है कि कोई की नहीं करी माशाल्लाह और तू बदियो वो केपेबल इन बदी कम में इन लोगों दी एडवांस इन बदियो करी सकन थी कम इन लोग क्या है ऊना समझो कि पानी मेमोर और तू की नहीं करी सकन सही गल चीज है घर में वही ना बच्चे जो भी ध्यान रखिया मारो तो सिर्फ ऑफिस से विनन था ऑफिस से कम करन था और तू घर में भी कम करिया है ने पोते जो बिजनेस भी करिया ने घर भी संभालिया है बच्चे के भी संभालिया है खास कर इन हस्बैंड के जो घर में वाइन लोग के भी संभालिया है नो हां बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी गाल करिया जे घर में वही ने हस्बैंड के भी नारिया ना औरत जो रोल मुझे ख्याल से ड्यूअल थे जी हवा भाई आई के पूछंती आऊं। थैंक यू हवा भाई ऐसे साथ मौजूद है हवा अब्दुल्ला साहिबा ये गाल बहुत सारी करी अमीद भाई के जो पांजी औरतू जो इन तो पांजी औरत थी तो मतलब आ थी औरत की जिम्मेदारी डबल थी थी उन्हें जडे पा वारा निकरून ते तो बारा ना उन ते भाई घरे अची ने पा आई ना जची ने वही रे मारवे वाली चाप माके मड़ी ने बाकी तो बीए के पकाई ने भी खा रहे नु बच्चे के नार नु भी है ने जी एजुकेशन भी नार नी है घर के साफ सुथराई भी करनी है ते मल्टीपल रोल होए तो क्रोच होता है इन ते आने एग्री विद इट ऑल द टाइम वन इज सजोडी बर्थडे चीज में नार नु जे जाए बर्थडे ऑर्गेनाइजेशंस ने बर्थडे Zoom में मीटिंग्स बर्थडे हल्ली जो जुड़ी हो यू नो वेरी कंफर्टेबली नथिंग केम टू अस स्टॉप कोई चीज रोकानी ना भी बिल्कुल भी त मुझे छोकरो के चीज तो कोविड में तो की करनो है ताने तो अचार ने चटनीज ने तो वो बनाए तो मुझे फ्रेंड के खपन थी होममेड तो बदे कर आई हो जाऊं अचार चटनी शरबत ये बदे घरे वही ने करूं बदे सपोर्ट ये बदे लेबल्स ने मुझे कराए दी नहीं है ना रियली एंजॉयड क्या हूँ जो आई एंजॉय करूं क्या हूँ जो मुझे मुझे टाइम की न करनी सही गाल है ने मैं पेन है बहुत जो फिलैंथ्रोपिक हुआ है जी माशाल्लाह साउथ अफ्रीका में स्कूल्स एजुकेशन डॉक्टर्स ने वो बदे के सपोर्ट करिया हुआ ही वॉज अ वंडरफुल गिवर लेकिन मशी भी माशाल्लाह मेमन बहुत सारी बोली होता है नहीं नहीं और बस मेरे हस्बैंड जो सपोर्ट बच्चा बदे बहुत सपोर्ट है इतने बच्चा था बाहर हुआ पर अकरो जो मन भेरो है ने ई मके बदारे सपोर्ट करी है अच्छा तो कर तो के तो जी टाइम पास थे बिकॉज़ फूड पहला था आज ने मीटिंग्स अटेंड कर ने टाइम ना वन नी भी हां तो पछि रिस्ट्रिक्टेड वो से करे सही सही गाल है बट माशाल्लाह अल्लाह के तो शुक्र है टाइम बहुत सारो निकलियो कोविड में हाँ माशाल्लाह टाइम तो बहुत सारो निकलियो ने पाके बे के टाइम के सारो बनेनु हो जिनमें पा बहुत कोशिश करिए पांजे तौर ते पांजे हाथ में जो कुछ हो पा पोते जे हसी डिलीवर करिए
ने कोशिश करी है जो पांजी कम्युनिटी जी लेडीज भी उतरो जी इक्वल रोल प्ले करन जड़ो आई बता रही है जो घर में वही ने जूम्स से मीटिंग भी थी नहीं बदे थी नहीं तो जो खवातीन वर्किंग फील्ड में भी इन्हें जो कम ना रोकाणो बल्कि इन्हें लिए डबल टास्क हो पोते जी जॉब्स भी करन घर में वही ने हस्बैंड के भी माहौल प्रोवाइड करन बच्चे के भी ऑनलाइन एजुकेशन दें घर में पकाए ने भी खा रहे ने घर जो टेम्परेचर भी सही रखन नहीं घर में अंदर बहुत जरूरी है जो अकड़े माड़ू की मौजूदगी में बच्चे की मौजूदगी में जो ना घर जो टेम्परेचर भी बैलेंस रहे। अच्छा आऊँ आई बदे के अकड़ी चीज़ इंटेंशनली ना बता रहा मुझी बहु प्यारी दोस्त ने असि बदे की बहु प्यारी साथी जायदा तौफीक भी है जो माशाल्लाह यूएसए में हूं था तो आ उन्हें बाकायदा रिक्वेस्ट करम जो पुते जो मैसेज असा के ऑडियो मोकलन तस्वीर के साथ या पची वीडियो मोकलन तो माशाल्लाह असि पुते मैसेज मोकलिया वेन एडा असा इन जो मैसेज प्ले करना है इन बाद असा प्रोग्राम में ब्रेक करने ब्रेक के बाद वापस अचूं था केड़ा माउन जा कुरेले के अजी बो स्टार्स बाकी इन मुझे साथ विल बी राइट बैक वेरी शॉर्टली स्टे विद अस। मुझी प्यारी बहनों सहेलियों बेटियों ने मेमन चैनल लाइक करी ने मुझे सलाम है खास करी ने मेमन चैनल जी शुक्र गुजारी के मुझे दावत दी ने मुझे इज्जत अफजाई वधाया अज पां बदे हिडा औरतें के खराज तहसीन पेश कर लाइक करी ने मिल आई हूँ। मुझे चुनो है कि औरत के मामूली ना समझो औरत हो अजीम हस्ती आए जो जिन हते से झूलो झुलाई थी हुन हते से दुनिया हलाई थी बच्चे से गिनी ने बादशाह जे पीछे भी माँ बहन बेटी ने शरीक के हयात जे रूप में औरत आए जिस्मानी तौर ते बज़ाहिर वो कमज़ोर ज़रूर लगे थी मगर जडे रिश्ते लाए फराइज लाए ने कोई नेक मकसद या मुल्क लाए करी ने या इंसानियत लाए करी ने कुर्बानी की ज़रूरत पूरी थी तो औरत अकरी मजबूत चट्टान बनी मिने थी। औरत जो नेक जज्बो ही इनकी ताकत आए अल्लाह ताला ने हुई तो जन्नत औरतें जे कदमे जे नीचे नाए रखी दीनी ने हाने औरत जो फ़र्ज़ आए कि जो इनके अजमत मेरी आए इनके किन खुश असलोबी सी ने दयानतदारी सी निभाई थी क्योंकि ताज जड़े सरते रहे तो अगर उनके संभाली ने रखना है तो ताज सरते रहे उन्होंने मलका बननी ने अगर ताज की हिफाजत जो इज्जत जो नजमत जो ताज मिलो है उनकी हिफाजत नहीं करी सके तो पची औरत जी कदर नहीं रहे जो उनके मिली है तो अज हिडा जो भी औरतों हैं हर रूप में उन्हीं के मुझे सलाम पेश कराती ने उन्हीं के कुर्बानी लाए चाहे वो कोई भी फील्ड से ताल्लुक़ रखनी हो उन्हीं की जिम्मेदारियों निभाती खास करी ने वो औरत जो घरेलू औरत है उनके मथे वधारे फराइज ने जिम्मेदारियों तो उनके भी उन्हीं के खास कई ने मुझे सलाम ने भी ये तमाम शोबे में जो खवातीन औरतू हैं उन्हीं के मुझे सलाम उन्हीं की अजमत के सलाम मुझे वटा वक्त और छो आए मगर मुझे वटा जज्बात वधारे इन औरतें के बारे में उनकी अजमत के बारे में जो ही कम वक्त में पेश नहीं कर सकनीस मगर थैंक यू मेहरबानी है कि मुझे वधारे वक्त दिन में आ वियो है। अच्छा मौजो COVID-19 भी है कोई भी मुल्क या कोई बस्ती ते जड़े आफत अचे थी तो तबाही मचाई देती मगर इन आफत ने तो पूरी दुनिया के पोते जे लपेट में गिनी गिनी है इन मुश्किल वक्त में भी औरत ने पोते जो अहम किरदार अदा करी हैं उस्ताद डॉक्टर पुलिस ऑफिसर घरेलू जिम्मेदार सफाई करन वाली औरतों हर शोबे में कम करन वाली औरतों अगर आप कोई भूली भी ना थी तो माफ़ी चाहती खैर बहुत वधारे इदारा इन जेड़ा औरत हने पोते जी जिम्मेदारियों निभाई थी हर वो औरत के सल अजीम औरत है जिनने ही मुश्किल ये वक्त थे पोते जी जिम्मेदारियों के कई गुना वधारे मेहनत से जिम्मेदारी से निभाई हैं। जडे भी कोई मुश्किल मुसीबत या आफत तबाही दी वे थी हुडा जिंदगी में वड़ा वड़ा सबक भी सिखानी वे थी हेठ जिंदगी जी चाल है अगर पाई चाल के साथ
उनजे सबक के सीखी गिन होता न उनते हलूँ था पा तो पा कामयाब यूँ पा औरतू कामयाब यूँ पांजी सोच भी अगर सारी होनी नहीं तो पा कामयाब यूँ ज़रूरी नहीं पा बाहर निकली नहीं या मैदान जंग में विनी नहीं पा बंदूकों हला जे अगर पा पांजी सारी सोच रखूँ था पॉजिटिव थिंकिंग आए पा रिश्ताओं में ईमानदारियों पांजे जज्बे में पा सादिकियों तो पांजी जीत है नहीं पांजी जीत है ने औरत जडे बेबी हुई थी तदे सी उनकी जो तरबियत थे थी ने हो वड़ी थी ने औरत जो रूप निखारी देती इंसान जो बचपन में सीखे तो ने उनके बुढ़ापे में नज़र अचे तो उनके औरतपने में नज़र अचे तो नारा नंढी नंढी आदतों वड़ियों वड़ा तर्ज अमल बनी वनता जिंदगी जा इलाए पोते जी बच्चे के अड़ी तरबियत दियो कि जो बेहतरीन औरत बने पांजो न खबर पा केतरी जिंदगी में उन्हीं के साथ सिखा ले मौजूद हूँ या नहीं हूँ न औरत जी भी जिम्मेदारी है कि हर तकलीफ हर दुख में हु कोई सबक गिने कि हूँ तकलीफ में पा कुरो सीख्या हूँ या हूँ तकलीफ पा के कुरो सबक दी भी आए या हूँ तकलीफ कुरो वजह से आई कुछ तकलीफ़ों अड़ियों इन जिनके पीछे कोई मकसद न हो न अची विनती हूँ तो उनके जो पा संभालूँ था ना पाँच जिम्मेदारी सी ने पाँची सारी सोच सी तो हू तकलीफ भी गुलिस्तान बनी वे थी पाँजे लिए कर वो सबक ही चाहे जो पा के हमेशा परान में आयो है कि जिंदगी जो हमेशा परान में आयो है मगर पाँच अमल ना करियासी पा उनते सीरियसली ना सोचियास कि जिंदगी की कोई हकीकत नहीं जिंदगी अहबाब पानी जो बुलबुल है जो चंद लम्हे में भी यानी पलक झपक ने जिंदगी हथ में से हली वे थी जिन तरीके से रेत हथ से फिसले थी अड़ी जिंदगी जहा लम्हा फिसल ना वनन था मगर हाँ एतो मौको न लम्हे जो हाँ तो पानी के बुलबुले वाने बुझी वे थी हकड़ो चिराग वाने जिंदगी बुझी वे थी बिया भी काफ़ी सबक पा के मिलिया ये तबाही सी या ये परेशानी सी कि जिंदगी के पक्की सादगी से गुजारी सकूँ था पक्की बे जो एहसास करी सकूँ था बे जे दुख सुख जो एहसास करी सकूँ था पर कम चीज़ें में कम जरूरियात जिंदगी में सबर शुक्र के साथ गुजारी सकूँ था इनकी पैसों होनू जिनके वटा आए हो भी उनके खर्च करी ने सुख ना गिनी सकनू ये तकलीफ के ना ही दूर करी सकनू तो समझो पैसे की भी कोई अहमियत ना है कोई भी चीज़ की कोई अहमियत ना है पा वधारे कपड़ा नए बनानस तो भी पाँजो गुजारो थी वे तो पा कम पकायूँ था तो उनमें भी गुजारो थी वे तो पा दावत में ना वनस ने बे मकसद वक्त जया ना करनस तो भी पाँजो सारो गुजारो थे बदे से वो सबक ये है कि खानदान की कुर्बत पा के मिली जो पाँजा अपना है उन्हीं के समझन जी ने उन्हीं से करीब रहन जी पा के मौको मिलियो मुझे खास करी ने इन सबक ते अमल करन से पाँजी इकोनॉमी ते फर्क पोनू पाँजे माहौलियाती पोल्यूशन गंदगी जो है वो दूर थी पाँजी शख्सियत में निखार अचनो पाँजे वक्त सही तरीक़े से इस्तेमाल थीनो रिश्ताओं में मोहब्बतूँ पाँजे में दीन ज कुर्बत ने बे जे हमदर्दी ने एहसास वधनो तो जो पा के सबक में दियाँ उन्हीं से पोते जो बंधन पाबंदी गिनजे हमेशा लय करी ने पाँजे मौत से पहले ही याद रखे कि पा के पछतावो ना रहे अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक प्रोग्राम है लेडीज़ डे के हवाले से विमेन डे के हवाले से मुझे साथ मौजूद इन विमेन कम्युनिटी जो टॉप लेडीज़ जो ग्रुप ने आऊँ वो लेडीज़ सी बल्कि त्रे लेडीज़ से इंट्रोड्यूस कराई चुकी हैं हाँ बाकी जो वो मुझे मौजूद इन बहु हैरान थी जो माशाल्लाह बहु यंग एज में पाकिस्तान की हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन यानी जो हथ ज बनल कम इन्हें दस्तकारी हुई थी इन्हीं जी जो है माशाल्लाह प्रेसिडेंट इलेक्ट थी इनके अलावा बिया भी घना सोशल वर्क इन जी बड़ा वधारे डेजिग्नेशन जिन के नारो
બહુ હેવી પ્રોફાઇલ જે સાથ હોય તો માશાલ્લા. થેન્ક યુ વેરી મચ હલીમા સોરાઠિયા, બહુ મહેરબાની આ એસઆઈ શો માં આવવા. કરું છું ના પેન્ડેમિક તે બધે થી પહેલા તો આવું કે થેન્ક્સ ટુનિસ મેમન ન્યૂઝ જો આઈ ન્યૂઝ સાહેબાનું કે આઈ જો આ એવું એટલી હાઈ પ્રોફાઇલ લેડીઝ મેં મિકે ઇન્ક્લુડ કરિયા. ના ના સબસે વડી ગા આઈ ગ્રી હો શામિલ બધે મેન્ટોર્સ મિંજે સાથ બેઠ્યું ઇન તો ઇન્ને લોગ જો માશાલ્લા ઘણું કમાય. હા પેન્ડેમિક જો આવી ચુનિસ કે જો હે માશાલ્લા બધે જો એ લેડીઝ કાફી એક્ટિવ થી વ્યુ મતલબ આ નાડી રિવિસ કે હર લેડી જો હે ના બિઝનેસ લેડી જી કેટેગરી મે જીવી માશાલ્લા. મતલબ કરો કે હકડો તો અનએમ્પ્લોયમેન્ટ જો હા માળવેન જી જોબ ઓલી વ્યુ જોબ ઓલી વ્યુ તો અજીબ સો સિનેરિયો હો. પછી માણું ઘરે વાર તો માણું અગર મરજો રોજગાર જો હે ના હુસન નાઈ જો તો જડે ઘરે વઈ વિનન તો ને લો ખુદ ડિપ્રેશન મે તો લેડીઝ જો કિરદાર જો હે ઉ ડબલ થી વ્યો કે ઉની કે જો હે ઉ માળવે કે ભી જો હે ઉ મોટિવેટ કરનું હો ને પોતે જે ઘર કે ભી હલાનું બિલકુલ તો ઉન મે આઉ જહેરે હર એક કે પાસે એસી કેપેબિલિટી ના હોની. આઉ બીંગ એન્ટરપ્રિન્યોર ને એઝ અ આઈટી પ્રોફેશનલ આઉ મિંજી બધી જો લેડીઝ જો 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 મેં જિન જિન તક રીચ હુઈ આઉ કોશિશ કરું કે ઉની કે જો હે ઓનલાઈન જી ટ્રેનિંગ દિયા પૂરે પેન્ડેમિક મેં આઉ ઈચ કરું મિંજી એસોસિએશન મે બહુ સારી ગાલ હે. આઉટ ઓફ ધ એસોસિએશન જિત્રા લોગ મિંજી ઉનમે વા તાઉ સોચું કે જો હે ઇની કે જો હે ઝાહેર હે ઇની લો કી કરની બિલકુલ. વોટ્સએપ તે અગર કોઈ તસવીર મોકલે તો તસવીર જ મોકલી કરે તો બે જે મેસેજ અચી વિને તો કે ભાઈ તસવીર ઓછું મોકલો. હવે હું બિચારી કે પછી નોલેજ કી મેળનું કે થોડે મેસેજ મેં વધારે ગાલ કરનું. એક્ઝેક્ટલી બહુ સારી ગાલ છે. એ બધો એ જો આયો ને કે પ્રોપર તરીકે સે કરનું ને તો ઇન મે આમ પૂરો ઈ કરું. પછી જો આયો હણે આવ જો કરી રિયા આર્ટિઝન્સ જો ઇન પાંજે જો ઘરે મે ઓરતુ કમાંતિયું તો ઉ તો બિચારી ઘર મે કમાઈ ને જો આયો ડી દીંતિયું પછી અગિયાર મહિની ને લોક જો હે હેવી પ્રાઇસિસ થી મિડલ મેન જો જો મિડલ મેન જો તો ઉન જો હણે પાંચી બચ્ચું ભી જો હે ને બોજ પડેલી લખેલી હોય ને એને કે એક્સપોઝર મિલેલો હોય કે જો હે ઉ સ્કિલ્ડ ઇન ના તો હણે ઉન લેડીઝ કે ને આ હકડી હકડી કંપની જે સાથ જો હે ઉ લોગે કે જોડી દીએ કે જો ઘરે મે કામ કરંતી ઉ લેડીઝ જે સાથ બચ્ચી જે સાથ એફિલિએટ થી વિરન સહી ઉ કંપની સે થ્રુ જો આયુ કરણ હણે ચીઝ બનાઈ ગિની તો બહુ આસાન હે. ઉની કે માર્કેટ કરની માર્કેટ લિંકેજ સબસે વડી ગાલ હે તો ઉંજે લે કઈને આ પોતે જો હેન્ડીક્રાફ્ટ સ્ટોર બનાવ્યા માશાલ્લા. તો ઉનમે જો આય ઓ આય કે કોઈ રજિસ્ટ્રેશન તે કોઈ પૈસો નહી કોઈ આય કે હું ચાર્જ દે તેનો. હા જડે આય કે જો આય ઉ હલે તો આયનો કારોબાર હલે તો ચીઝ વેચાની ચીઝ વેચાઈતી તો ઉનતે આસા જો હે જો મેમ્બર ઇન આસા ઉનસે 5% ગિનું તા ને બાકી 7% 2% ડિપેન્ડિંગ અપોન અઝાઈ રહે કે ભી પોતે જે સ્ટોર હલા હે સ્ટોર હલાનું ને ઇનકે આસા ઇન્ટરનેશનલી પ્રમોટ કરો તો આસા ની પોતે જે જીપ સી બતારો તાકે જો હે ઉ થ્રુ આઉટ ધ વર્લ્ડ જો હે પાન આર્ટિઝન્સ પ્રમોટ ટીમ પાન લેડીઝ પ્રમોટ ટીમ ને જો હે ઉ કરન ને આસા આપણો બ્યો આસા જો વેન્ચર હે ઉનમે ભી આસા લોગે કે ઇન્વાઇટ કરો તા જો અસાંજો ઉઆ કે જો ઘરે વઈને જો સ્કિન હર્બલિસ્ટ ઇન ઉ અચીને મિલન કોઈ કુક ઇન ઉ અચીને મિલન તો અસા ઉની જે સેશન્સ કરાયું તા તાકે જો હે ઉની જો હે ઉ પ્રમોશન ભી મિલે ઉની કે રોજગાર ભી મિલે ને આપો નવે વેન્ચર્સ ખુલે. જબરદસ્ત ભાઈ, મતલબ સમંદર કે કૂઝે મેં બંધ કરીને લઈ રહી હે હલીમા માશાલ્લા. વો યંગ એજ અંદર એડો વડો સ્ટેપ ઉપાડી આવીને એડી વડી ડિઝિગ્નેશન ત્યાં પુગ્યા હો તો રિયલી એપ્રિશિએટ હે ને મેમન કમ્યુનિટી બહુ ઓનર હે જે માશાલ્લા એ બધી અસાય સાથ મોજૂદ અકડે સેકડો નામ ને અકડે સેકડો કમ હે જડે નાળ તા ચાર્જ હવા કે બિગિની ઉનો હે જડા ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે ના આ સજેસ્ટ કરીસ કે પાણી પાસે ઘણી ઓરતું દરસલ ઈ આઈ નો પ્લેટફોર્મ હે ને માશાલ્લા ને આ લોકો કે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ દી રહ્યા હો બિલકુલ તાઈ લોકો કે ઓપોર્ચ્યુનિટી દ્યો ને જો આય ઉ લોક જો આય ઉ ઉનતે ઉ કરન નીચે એડ લગે તો લોકો જો એડ લગાઈ દ્યો આપણો સ્ક્રોલ હલાઈ દ્યો નામ હલાઈ દ્યો નામ હલાઈ દ્યો બિલકુલ જો આય ઉ દરસ બિગ કઈ જારિયા થી બિલકુલ બિલકુલ મેજે સાથ માશાલ્લા. હલીમા જે સ્ટોરી ડી વડી અગર હલ્લે સે પૂરો પ્રોગ્રામ હલીમા જે મથે ખતમ થી ઉનન જો હે તલે આ ફોરન સીડા થોડો સો ઇન્ટરપ્ટ કરનિસ એ મેજે સાથ મજી ફોર્થ ગેસ્ટ મોજૂદ ઇન જેનો નામ હે મોહતરમા આબિદા મેમન સાહેબા, રિટાયર્ડ ડાયરેક્ટર ગવર્નમેન્ટ ઓફ સિંધ.
ने माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट कई इदारे में एज ए डायरेक्टर एज ए फाइनेंशियर या फाइनेंस के नारन लाइ बहु वो रोल प्ले करी रहा है। मोहतरमा आबदा मेमन साहिबा बहु मेहरबानी ऐसा शो में आवा मेहरबानी हाँ जी। फाउंडेशन के मुबारकबाद दिया थी। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट टाइम वुमन डे मनाई रही आई। जी बिल्कुल। ख्याल आयो। थैंक यू वेरी मच इन जो भी। बाकी रही भी गाल ये अज टॉपिक जो को आजी आए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी लेंथी पर इनमें थ्री पॉइंट्स हैं। हां हां बिल्कुल बिल्कुल। वुमेन वुमेन लीडरशिप एंड पेंडेमिक। इट्स मतलब इतरो लंबो है कि बोलने मोटे तो समझ में नहीं आती कि आई के समराइज पोजीशन की नहीं आई जी। एक एक ही गाल हम की चोनिस। हां हां के पाकिस्तान बनियो 1947 से करी नहीं आज तक। क्योंकि मेमन कम्युनिटी में सोशल वेलफेयर इन्हीं जी गुटी में मोस्टली तो आई नियो कि कितनी वोडी वोडी लेडीज से जी ना कारनामा आई पर प्रोजेक्शन ना है क्योंकि खबर ना है कि मैं फलानी मेमन लेडीज इतरो बदो मिसाल के तौर से आई बिलोंग टू कच्ची मेमन कम्युनिटी उनसी लेडी हिदायतुल्ला शी इज द मतलब सर अब्दुल्ला हारून जी डॉटर है। बिल्कुल। उनजो कितरो वो अचीवमेंट पछाई जिदा भी नारो हाजियानी हनीफा बाई हाजियानी फलानी यू नो पांजी बायू पांजी बेनू पांजी दीरू किदा भी पुख्या ना आई रही। बिल्कुल। वेदर एपिडेमिक से पहले या है वा शॉर्ट कमिंग में आई चुनती के विमेन में तो वैसे ही नेचुरल लीडरशिप है अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि घर में मतलब मारू जी जिम्मेदारी के इतनी है कि जितनी उनकी कैपेसिटी है वो कमाई चीन आके नहीं दे तो बिल्कुल हाँ घर की सही मैनेजमेंट उनके हलाई नहीं है तो लीडरशिप लीडर तो वो है एक्चुअली होम मिनिस्टर। बिल्कुल। लीडरशिप जो भी औरत जी अंदर ये चीज आए बेसिकली रही भी पेंडेमिक में तो पेंडेमिक में तो नारियो वधारे करी ने जो को पांजा फॉर फ्रंट लाइन में मेडिकल साइड जाए डॉक्टर्स ने नर्सेज ने इन तो ये बेचारे के तो दी रात मेहनत कहीं नहीं खपई। नो डाउट। बिल्कुल इनमें कोई शक नहीं। सेकंड रोल अच्छे तो टीचर्स जो एग्जैक्टली मेमन कम्युनिटी जी लेडीज में आई अगर सर्वे करना तो वधारे करी ने आई के टीचिंग प्रोफेशन में बहुत मिल ली। बिल्कुल। आई डोंट मोट ऑफ प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स ना है क्या आई क्या बता रही हूँ बट मेजोरिटी आई के टीचर्स एग्जैक्टली बिल्कुल सही। और टीचरे में क्योंकि कई ऐसी टीचर हुई जिनके आईटी से वाकफियत ना हुई पर आईटी मतलब इन पीरियड के हलाल ले करे पोते आई पोते इन चीज से वाकिफ थे आने पोते जो कम हलाल इन के पुठिया रही हुआ। बिल्कुल सही। हाँ रही हुई गाल मुझे पोते जी जो आई प्रोफाइल में किया कि आई बिलोंग टू द गवर्नमेंट गवर्नमेंट में इतफाक हुआ है कि गवर्नमेंट में जिन भी डिपार्टमेंट में ना तो ये पब्लिक सर्विस चोवे तो हाँ जी बिल्कुल तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे सजी जिंदगी मौको दिंदी कि आऊं मारवे की खिदमत कया अल्हम्दुलिल्लाह जिन भी डिपार्टमेंट मुझे फर्स्ट डिपार्टमेंट वो सिंह स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने वो भी वेमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑनर्नी ट्रेनिंग सेंटर क्रोगाल है भाई यू सी उन जमाने में वुमेन डेवलपमेंट फेडरल गवर्नमेंट इनिशियली वो लंबी कहानी है फुली स्टॉप भी नहीं छोड़ना ने साथ साथ क्योंकि आऊं सोशल वर्क में जी हमीदा भाई जो मुझे भी इतफाक से पूरी फैमिली मुझे बैकग्राउंड ईस्ट अफ्रीका से आए ने पे डाडा लगा इन्हीं में लगे लाए तो बचपन से आऊं भी इन लाइन में पोते के वक्फ कहीं हैं तो स्टडीज जस साथ साथ पंजा जॉब्स भी साथ साथ सोशल पहले तो कम्युनिटी बेस्ड थे स्टार्ट किया सी पोते जी मेमन कम्युनिटी बेस्ड थे अड्डी सुधी अल्हम्दुलिल्लाह जिदा भी पाजी खिदमत की जरूरत वेती हाजिर रही हूं बिल्कुल शॉर्ट में आए के चोनो कबे तो हां आओ सेपरेटली बदे के मौका दी ने लंबो लंबो आदत को पड़ी के लाग्छ टाइम बट दिस टाइम मुके सिर्फ इंट्रोड्यूस कराई नु बाकी ये है कि कम्युनिटी बेसिस में जदे जंडो गरीब हो तो पची सोचिया से जरा नेशनल लेवल पे अचो बिल्कुल तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वुमेन्स लॉ एसोसिएशन जी बानी है हम बानी में सही है पांजो बिजनेस एंड प्रोफेशनल वुमेन जदे डिस्ट्रिक्ट वाइज थिया तो साउथ जी आऊं फाउंडर मेंबर में से माशाल्लाह
ने उन ऑर्गेनाइजेशन जा जिन जिन आऊं रही हां मैं मन ग्रेजुएट एसोसिएशन आए मैंने करी लंबी लिस्ट है सिंध रूरल वुमेन एसोसिएशन आए एंड लॉट मोर तो उन जिरा जिदा भी रही हां जितरो मुजो हक अदा करी सकनु मुझे रिस्पांसिबिलिटी मुके मिली है बिल्कुल पर इनमें हम अकेली गाल चुनती कि क्योंकि हेवर पेंडेमिक में आऊं वो एक्टिव हैं आजकल स्पेशल चिल्ड्रन जो अलुमीद करी नहीं है अलुमीद रिहैबिलिटेशन सेंटर आऊं डा ट्रेजर आ रही हैं वी वर्ड से आऊं मैनेजिंग बोर्ड में या पर दो वर्ड से ट्रेजर आ रही आती आज भी आऊं ट्रेजर आ रही तो फंड्स मिलनो हिन पीरियड में थोड़ो मुश्किल थी बहुत मुश्किल ने असा कोशिश असन जो हकरो भी एम्प्लॉई के असन ना पूरा जादे ना सी मतलब वी डिड रिलीज ना करिया मतलब फारिग ना करिया ना तनखा हो छी गया माशाल्लाह ये भी बहुत बड़ो सिनेरियो रे एंड बिफोर पेंडेमिक इन जो 20 लाख जो खर्चो आए महीने जो यू सी और असन वरी बच्चे के ऑनलाइन वरी ई फिजियोथेरेपी टीचर के ऑनलाइन सिखायो पते ने पेरेंट्स के क्या करो ही पते जी बच्चे ते उने के ताकि गैप ना आ चाहिए ने जी सर्विसेज में ने जी की ऑफिस एडमिन स्टाफ वो बेचारा लॉकअप में भी बारिश में भी मुझे रिसर्च ऑफिसर तो मिलनी ना दे हैड टू कम ने मुझो ही हिसाब वो हेवर तो खैर ऑन जॉब छड़ी दिनी आकर साल से अदरवाइज मुझे 50 इयर्स ऑफ सर्विस की रिकॉर्ड है तो आऊं मुझे वंस अ वीक उठा विनू जरूरी है जरूर अल्हम्दुलिल्लाह पेंडेमिक में भी कोई एरो वीक न थियो क्या ना दैट्स गुड वेरी गुड माशाल्लाह पांजे दा खवाती न बड़े सुनी दियो एडासी शुरू करो केडासी शुरू करो संभालनो मुश्किल थी तो ने जे वही एकडा ब्रेक लगायूं निकी ये जो काम है जी या ये जी जो ऑर्गेनाइजेशन जी लिस्ट है इनके नंडो करूँ ने शॉर्ट करी ने बता रू माशाल्लाह इतरो वर्क है एज शायद इतरी ने जितरो वर्क जी नौयत पाके वधारे डिसाई थी लेकिन प्रोग्राम के भी समेटनू है तो थोड़ा सो प्रोग्राम जो सेकंड राउंड ते आऊँ अचान थी ने बदे सी आऊँ मैसेज कना थी तो हाँ शॉर्ट सोड़ो मैसेज दीजिए असके जे असाजे विमेन न्यूज के हवाले से विमेंस डे ते ई जो स्पेशल विमेंस डे सेलिब्रेट ते तोरो मैसेज दीना मैसेज के अलावा पहले तो एक रिक्वेस्ट दीनी सा मैम बिल्कुल रिक्वेस्ट ही दीनी के पा मीडिया में मेमन पापो को लेट आ गया तडे पांकी प्रोजेक्शन नहीं थी सही ने बियो पांजी मेमन जी सर्वे भी नहीं सही ने त्रियो पांजो कोई डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड नहीं यानी डायरेक्टरी नहीं बने बिल्कुल तो इन त्रे चीजें ते आई वुड रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस फोरम के ही कम थीनो खपे बिल्कुल ताकि हकरे में खबर वे के पांजी कौन करे करो थी इंडिविजुअली कम्युनिटी बेस्ड ते तो ये बते करन ता जे कोई पोते जी कम्युनिटी जो रिकॉर्ड में बट ओवरऑल मेमन कम्युनिटी जो रिकॉर्ड ने अल्हम्दुलिल्लाह इन सिलसिले में मेमन न्यूज अकड़ो कम करी रही है वो शॉर्टली ऐसा है के बतारने को वो जबरदस्त धमाको भी करने जिनमें ऐसा इन चीजें के कुछ पाइल अप करी आई हूं ने इंशाल्लाह जल्दी कोई सारी खबर दी ना बाकी मैसेज में तो आऊं के मुझे हकरो मैसेज वे तो जाम भी डमना थी के हकरो पांजो लाइफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो अल्लाह ताला देनी है पर शरीफ उ आऊं रिक्वेस्ट करनी इसके बद्दे पाजी उन लैंग्वेज में हकरो दफा जिंदगी में पढ़न के ताकि उ समझन पोते समझी ने अमल कयन ने बे के बच्चे के अमल कराएं रोल मॉडल बनी ने इंप्लीमेंट कर जडे आई इन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉलो करना तो आई के लाइफ जी मरे एस्पेक्ट ते कम करन लाइक की आई करो आ जा हद आई करो जा हुदूद आई करो आ जा रिस्पांसिबिलिटीज आई करो आ जा हक हुकूक आई ई मरे गालियों आई के समझ में भी अची नहीं ने इंशाल्लाह तला दुनिया आखिरत जी आई की कामयाबी मिले इंशाल्लाह जी हलीमा आई मैसेज दियो बस हम मैसेज में जो है वो आप दबाई जे मैसेज के जो है वो करनी थी इंडोर्स करी रही है हां सेकंड करी रही है इंडोर्स करी रही है एग्री करी रही है कि बिल्कुल पांच घणा मसाइल इन वजह से इनके पानी दूरी जो है कुरान से आए बाकी खबर अज ना है कि कोई आके दौर में मुझे याद आवियो कि स्काईलैब हो ना स्काईलैब पईयो मु नंडी विस तो वो जो है जिन जुबान में खबर पहले घणी जुबान में खबर होती तो वो जो है इंग्लिश में अचे सिंधी में अचे लोग ट्रांसलेट करी करी ने सुनना हुआ कि ये स्काईलैब पई कह डरी हुए तो हने जो है स्काईलैब बजाय जो पेंडेमिक आई बदो आए तो पाके जो है वो बस पानी जो है आकबत आखरत कदे स्विच ऑफ थी विने
भी हम जो है वो आई के मैसेज ही दिनिस के पांजे पासे लीडरशिप लेके नेकरो फोरम बनेलो है बेमन लीडरशिप फोरम जो के जो कोई चैरिटी नहीं है वो सिर्फ इल्ला है के हकड़ी मेमन जो यूथ है वो लीडरशिप लाइन में अच्छी भी नहीं ताकि जो है उनमें लीडरशिप क्वालिटीज तो बदे में उन्हें के उजागर करने में अच्छे नई लीडरशिप फॉर्म थिए ताकि जो है पाँ भी बुढ़ा थी भी आयूँ कड़े सुधी पा हलना सी तो नई लीडरशिप अच्छे क्योंकि यूथ के पास एक्सपोजर घणो है यूथ के पास नॉलेज घणो है इन्हें जो वास्ट एक्सपीरियंस है तो इन्हें के अग्या अच्छो खपे ने नीलो तो आमीन यूथ के भी अपील करनीस कि मेमन लीडरशिप फोरम में आप यूथ लेडीज विंग जी कन्वीनियर या अचन ज्वाइन करन असाने साथ ज्वाइन हैंड्स करन ने जो है वो अग्या जो है पा कम कर जे ताकि इन तरीके से पाके एक्सपोजर भी मिलनू ना पाके खबर पूने के पा जो है पांजी लीडरशिप ग्रो करी रही है ने लीडरशिप के साथ जो प्रेजेंट लीडरशिप है उनके पास एक्सपीरियंस है ने नई लीडरशिप के पास जो है नॉलेज है बिल्कुल यंग ब्लड है तो पुरानी लीडरशिप जो है वो इन्हीं जा इन्हीं के मोटिवेट करे इन्हीं के अग्गे गिने चे ने नई लीडरशिप जो है नई लीडरशिप फ्रंट लाइन लीडर बनन ताकि जो है वो मेमन एक्सप्लोर थी ना पूरी दुनिया में जो है वो थी बहु मेहरबानी बहु सारो मैसेज दिना साथ ही साथ आऊँ ये भी बता रही है कि जे मेमन लीडरशिप फोरम जे हवाले से जे इंगड़ी हम आबेदा भाई बहु सारी गाल चो दे आर बॉर्न लीडर्स लेडीज आर बॉर्न लीडर है ना डीएनए में वही थी पांजे बार लीडरशिप करूँ ते पा घर हलायूँ ते बदे कुछ हलाय ते वी आर द बॉर्न लीडर्स तो बस इनमें है ना मेमन लीडरशिप में ऐसा लीडर्स के पॉलिश करूँ ते जस्ट सो इट्स अ पॉलिश प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह ताला बदे ज्वाइन करो जी हमीदा भाई आई तरफ से कोई सारो सो मैसेज दियो हाँ मैसेज दिनिस के पा पांजी छोकरी के एजुकेशन दे रहा है नारो कोविड में पांजी जो एजुकेटेड छोकरी हुई इन लोग बच्चे के ऑनलाइन होते क्लासेस दिनिया इन लोग बिजनेस करिया जो नंढो सलो जो भी बिजनेस करी सकनी हुई पोते घर में वही ने करिया तो मुझे चुनो आए कि आई पांजी छोकरी के जरूर पढ़ायो आई नारो इन लोग में बच्चे में आजकल जो बच्चे छोकरी में लीडरशिप क्वालिटीज इन आई इन लोग के पढ़ाना करना तो इन लोग पोते बच्चे के सारी रीत से आज्ञा करी सकनी हूँ बदे के बच्चे के घर के बदे के संभालती हूँ मदद करी सकती हूँ पाँजी छोकरियों तो प्लीज़ आए पाँजी छोकरी के ज़रूर एजुकेशन दियो इन लोग कोई चीज़ में वासे नहीं बदी छोकरी पाँजी मेमन छोकरी कोई डॉक्टर्स इन कोई टीचर्स इन अलग अलग फील्ड में लॉयर्स इन हर फील्ड में पाँजी छोकरी मेमन इन तो इन लोग क्या प्लीज़ एजुकेट करो इन लोग को पढ़ायो छोकरे के पढ़ायो था छोकरी के नहीं पढ़ाना ना छोकरी के जरूर पढ़ायो छोकरी अग्या वदनी पोते जा घर सारी से संभालियो ने पाजे पोते जा बच्चे के भी बहुत सारी रिसे लोग ट्रेन करनी ये इन बाद आओ मैसेज ले रिक्वेस्ट करने हवा बाई सी हवा अब्दुल्ला साहब माशाल्लाह हवा अब्दुल्ला साहब जो एकड़ो बैकग्राउंड है बहुत स्ट्रांग दैट इज अहमद अब्दुल्ला सेठ अम्मी सेठ जे नाम से मशहूर हुआ ने एकड़ो मुझे ले ये बहुत ऑनर है जे मके दी करी आओ इन जा तो सोरा हुआ लेकिन मके दी करी आओ तो ये एकड़ो बहुत वे पैमाने से चैरिटी प्लेटफॉर्म हलाई दिया हुआ तो हवा भाई इनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी इनकी हवा भाई आए तो खवातीन की खास आए जो इंटरेक्शन रहते तो करोना रोता ने और मे पे जी ने वो सोले जी इतनी फ्रेंडशिप भी के बंदे बेरोज कम कर रहे हैं नो मोबाइल भी जना भी चैरिटीज दी नो वही पाकिस्तान में इतरो इन्हें जो फोकस हो एंड ही वो सारो थियो कि आज पांच मीटिंग थी तब बंदे के मैसेज करीब ने We hope for the best for everybody, inshallah. Inshallah, ta'ala. Bahut saro, jay paan, jo bhi karun, jehdo bhi karun, kam, joint hands milay ne karun. Koi Jaipur waro, koi Dhoraji waro, koi Kachhi Meman, koi Badwa community, koi na hoye, bas we are Memans. This is the our, asa jo hai, ee jasa jo slogan hai, ee jasa jo moral lean, ne ee jasa chahiyun te, jay Meman news je hawale si message convey thi. Aye bade ji, bahut bahut meherbani, mujhe program mein aawa, mujhe saath baitha. Thank you, meherbani. Jazakallah. Thank you, meherbani. We'll always remain Memans. Thank you very much. We're proud to be Memans. Inshallah, ta'ala. Bilkul, bilkul. सेगमेंट के वाइंड अप करूं ते बहुत जल्दी आएंगे साथ वापस अचने नकरे नगवे सेगमेंट के साथ लेकिन सेहत जा राज नहीं छड़ा उनमें आवाएंगे साथ जरूर अचने ज्यादा दियो अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद